हेलो छोटी, मनी ऑर्डर मिल गया था? हाँ भैया, लेकिन वो वार्डन बहुत टेढ़े टेढ़े सवाल पूछ रही थी दीदी से। देख सोनू को दे जरा। बात तो तुमसे ही करनी होती है इनको। हाँ भैया, क्या कह रही थी वो? वही सब। किसने भेजा है मनी ऑर्डर? कौन है? नए नए कपड़े कहाँ से आते हैं? भाई है तो मैं कैसे मान लूँ? कमाने वाला है तो तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? ठीक है, मैं आके बात करूंगा उससे। छोटी तू जा यहाँ से। हेलो भैया, मुझे ना यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ना भैया, वो जो तुमको तंग कर रही हैं? नहीं भैया, वो रात को पीती हैं, बाहर जाती हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्हें लेने आती हैं। वापस आती है तो बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास, वार्डन को भी देती हैं। कल हमें भी कह रही थी साथ चलने को भैया। अच्छा तू हमें फिक्र मत कर, मैं आके देखता हूँ। भैया प्लीज जल्दी आना। चल अपना ख्याल रखना, बाय। हेलो। कल परसों का कुछ मत रखिएगा। क्यों? नहीं, मैं सोनू और छोटी से मिलने जा रहा हूँ। हर सैटरडे संडे को जाऊँगा। सरकारी नौकरी है जो हफ्ते में 5 दिन काम करेगा। कल चला जा, आदत मत डाल छोटी। भाई ये वार्डन ऑफिस किस तरफ है? इस तरफ। इनको लेके क्यों नहीं जाता यहाँ से? ऐसे तो और भी महंगा पड़ेगा। ले जाऊंगा, आप बस। हाँ वो इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत छोटी हैं ये, और मैंने सुना है कि। क्या सुना है? इनका कोई नहीं है ये मत सोचिएगा। मैं ये फोन लाया था उनको देने के लिए। मैं देख, ये फोन वोन का शोशा नहीं। हाँ फोन है ना यहाँ, तेरी बात तो होती रहती है। ये बच्चों के लिए कुछ मिठाई। इसे रखो और फोन करते रहना, अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो फिक्र मत करना, मैं पैसे डलवा दूंगा। भैया हमें यहाँ नहीं रहना। बस कुछ दिनों की बात है, मैं फिर तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा, प्रॉमिस। ओए मॉरिशस,